नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के बीच लंबे समय से बहस छेड़ रखी है। क्या मोहनजोदड़ो का विनाश एक परमाणु बम से हुआ था? यह सवाल कई रहस्यमय तथ्यों पर आधारित है जिनके बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर था जिसे हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। यह शहर लगभग 4500 साल पहले अपने समय की सबसे उन्नत सभ्यताओं में से एक था। इस शहर की योजना, वास्तुकला और जल निकासी व्यवस्था अद्वितीय थी, जो उस समय की उच्च विकसित शहरी संस्कृति को दर्शाती है। मोहनजोदड़ो का ऐतिहासिक महत्व और इसकी अनूठी विशेषताएं इसे पुरातात्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बनाती हैं। 1920 के दशक में मोहनजोदड़ो के खंडहरों की खोज हुई। यह शहर अचानक से वीरान हो गया था, लेकिन इसके विनाश का कारण आज तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह विनाश प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप के कारण हुआ, जबकि कुछ इसे बाहरी आक्रमण का परिणाम मानते हैं। इस पर चर्चा करते हुए हम उन सबूतों की ओर बढ़ते हैं जो परमाणु बम थ्योरी की ओर इशारा करते हैं। 20वीं सदी के मध्य में कुछ शोधकर्ताओं ने मोहनजोदड़ो के खंडहरों के विश्लेषण के बाद एक अद्वितीय थ्योरी पेश की। इस शहर का विनाश एक प्राचीन परमाणु बम से हुआ था। इस थ्योरी के समर्थकों का दावा है कि खंडहरों में मिली पिघली हुई ईंटें और असामान्य रूप से उच्च तापमान के निशान इस बात का संकेत देते हैं कि यहां एक बड़े विस्फोट के कारण यह विनाश हुआ। इस थ्योरी को प्रसिद्ध शोधकर्ता डेविड डेवनपोर्ट द्वारा समर्थन मिला, जिन्होंने 1970 के दशक में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए थे। कुछ शोधकर्ताओं ने मोहनजोदड़ो में पाए गए मानव कंकालों में रेडियो एक्टिवता के निशान पाए, जो इस थ्योरी को और भी मजबूत बनाते हैं। ये कंकाल शहर के विभिन्न हिस्सों में मिले और उनके आसपास की मिट्टी भी उच्च तापमान की गवाही देती है। इस थ्योरी के अनुसार यह विस्फोट इतना विनाशकारी था कि उसने पूरे शहर को नष्ट कर दिया और वहां के निवासियों को तुरंत मार डाला। इस थ्योरी की जांच के लिए कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण किए। उन्होंने परमाणु बम के प्रभावों को समझने के लिए आधुनिक विज्ञान का सहारा लिया। हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु विस्फोटों के बाद के अवशेषों की तुलना मोहनजोदड़ो के खंडहरों से की गई, लेकिन यह तुलना भी इन रहस्यों को उजागर करने में सक्षम नहीं हो पाई और कई इतिहासकार और पुरातत्वविद तो इस थ्योरी को मात्र एक अटकल मानते हैं। उनका मानना है कि मोहनजोदड़ो का विनाश किसी प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़ या सूखा के कारण हुआ हो सकता है। परमाणु बम थ्योरी की आलोचना करने वाले तर्क देते हैं कि 4500 साल पहले परमाणु तकनीक का कोई अस्तित्व नहीं था। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि पिघली हुई ईंटें और उच्च तापमान के निशान किसी प्राकृतिक या औद्योगिक प्रक्रिया के कारण हो सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि मोहनजोदड़ो का विनाश किसी प्राचीन युद्ध का परिणाम हो सकता है। वे भारतीय महाकाव्यों जैसे महाभारत में वर्णित दिव्य अस्त्रों को परमाणु बम से जोड़ते हैं। महाभारत में वर्णित ब्रह्मास्त्र और अन्य विनाशकारी हथियारों की तुलना आधुनिक परमाणु हथियारों से की जाती है। क्या ये अस्त्र सचमुच इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने मोहनजोदड़ो जैसे शहर को नष्ट कर दिया? इस सवाल का जवाब शोधकर्ताओं के लिए आज तक रहस्य बना हुआ है। मोहनजोदड़ो के खंडहरों की तुलना दुनिया के अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे मिस्र, मेसोपोटामिया और माया सभ्यता से की गई है। इन सभ्यताओं के खंडहरों में भी विनाश के कुछ प्रमाण मिलते हैं। समर्थकों का कहना है कि इतने प्राचीन समय में भी मानव सभ्यता इतनी उन्नत हो सकती है कि उन्होंने परमाणु हथियार विकसित किए हों, जबकि विरोधियों का तर्क है कि यह थ्योरी विज्ञान और इतिहास दोनों के दृष्टिकोण से असंभव है। क्या वाकई में मोहनजोदड़ो का विनाश परमाणु बम से हुआ था या यह महज एक अटकल है? इस वीडियो में हमने इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किया है। इतिहास और विज्ञान के सबूतों के आधार पर यह कहना कठिन है कि यह थ्योरी पूरी तरह से सही है, लेकिन इसने हमें इतिहास के रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित किया है। यह कहा जा सकता है कि मोहनजोदड़ो का विनाश आज भी एक रहस्य बना हुआ है और इस पर और भी शोध की आवश्यकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई और रहस्यमय या रोचक विषय है जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।